छत्तीसगढ़, जहां बसता है भविष्य का भारत। साल 2000 में भारत के नक्शे पर उभरे छत्तीसगढ़ को बने महज 17 साल ही तो हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कुशल नेतृत्व की बदौलत प्रदेश ने ऐसा चहुमुखी विकास किया कि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में नए रायपुर जैसे शहर को बसाने का प्लान बनाया जा रहा है। शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी चीजें आम लोगों की जिंदगी को खुशहाल बना रही है। विश्व भर के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ उद्योग के लिहाज से पहली पसंद बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन तक ने यहां बसाए गए नए रायपुर की तारीफ की है। नया रायपुर स्मार्ट सिटी का सबसे शानदार नमूना है। नया रायपुर विश्व की पहली इंटीग्रेटेड सिटी है। कनेक्टिविटी के मामले में तो इस प्रदेश का जवाब ही नहीं, एयर, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट, यहाँ की कनेक्टिविटी सबसे शानदार। प्रदेश भर में 59,136 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया गया, 852 बड़े, 337 मध्यम, 23,206 पुलियों का निर्माण कर सड़कों की हर बाधा को आसान किया गया। 18,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा में फैले स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की 700 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसे देश का नंबर 1 एयरपोर्ट घोषित किया गया है। वहीं ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए 1,733 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई। आधुनिक कारीगरी का शानदार उदाहरण है जैतखम। जैतखम की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 7 फीट ज्यादा है। ये भारत का सबसे ऊंचा स्तंभ है, इसको भूकंप भी नहीं हिला सकता। खेल के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम विश्व का चौथा बड़ा स्टेडियम है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 50,000 दर्शकों से भी ज्यादा है। इंडोर स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, ऑडिटोरियम जैसे कई आधुनिक संरचनाओं का निर्माण किया गया। शिक्षा के मामले में भी प्रदेश अव्वल है। यहाँ IIT, IIM, NIT, एम्स जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। प्रदेश में 8 शासकीय विश्वविद्यालय, 214 शासकीय महाविद्यालय, 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 7 मेडिकल कॉलेजेस, 51 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। विकास के साथ ही यहाँ प्रकृति की अनुपम छटा भी देखने को मिलती है। चित्रकूट वाटरफॉल भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करने वाला, खाद्य सुरक्षा को कानूनी हक देने वाला, कौशल विकास को कानूनी अधिकार देने वाला, 24 घंटे बिजली प्रदान करने वाला पहला प्रदेश, पहली ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी। छत्तीसगढ़ सरकार का एक ही मंत्र, सबका साथ सबका विकास। श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष प्रसारण रमन के गोठ में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की 36वीं कड़ी के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी पधार चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जम्मो संगी जहूरिया, सियान जवान, महतारी बहनी मल्ला, जय जोहार, नमस्कार। आज ये कार्यक्रम के 36वीं कड़ी के संगे संग मोरगोट के 3 बच्छर पूरा हो गए है। प्रदेश के लाखों रेडियो श्रोताओं ने और विभिन्न चैनलों के दर्शकों ने इस कार्यक्रम को सुना, बहुत से सवाल किए, आपकी जिज्ञासाओं का जवाब देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे और लाखों श्रोताओं के बीच एक नया रिश्ता बना है, जो मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। रमन के गोठ के 3 साल पूरा होने के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। सावन का महीना त्योहारों का महीना होता है। स्वतंत्रता दिवस का महान राष्ट्रीय पर्व, विश्व आदिवासी दिवस, हरेली, नागपंचमी, पारसी नववर्ष, ओणम, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार एक ओर हमें महान देश के नागरिक होने का बोध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रकृति और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति हमें सचेत करते हैं।
आपको इन सभी त्योहारों की शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस साल भगवान इंद्रदेव ने मेहरबान होकर सावन की झड़ी लगा दी है, इसके साथ आपने भी प्रदेश में नई जनहितकारी योजनाओं की झड़ी लगा दी है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के इस दौर को आप किस तरह देखते हैं? वैसे तो हमारी सरकार 14.5 साल से लगातार जनता के बीच में है, लेकिन विगत 4 महीनों से लोक सुराज यात्रा, विकास यात्रा आदि लोक अभियान बहुत बड़े पैमाने पर संचालित किए गए, जिसमें जनता की नई मांगों और आकांक्षाओं का पता लगाया गया। सरकार एक साथ अनेक मोर्चे पर काम करती है, जिससे अनेक विषयों पर निर्णय और क्रियान्वयन की प्रक्रिया चलती रहती है। यह एक सुखद संयोग है कि सावन के माह के साथ नई योजनाओं की झड़ी लग गई है, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि सारी घोषणाएं और निर्णय में तेजी के साथ अमल हो रहा है। मुझे खुशी है, अत्यंत कम समय में हमने संचार क्रांति योजना को बनाकर लागू कर दिया। स्काई के तहत 50 लाख स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है, और साथ ही 1600 मोबाइल टावर की स्थापना होगी। 50 लाख में से 40 लाख स्मार्टफोन महिलाओं को दिए जाएंगे। स्मार्टफोन का वितरण सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के आधार पर पात्र हितग्राहियों को किया जा रहा है। अब इसमें थर्ड जेंडर हितग्राहियों को भी शामिल किया जाएगा। हमारी स्काई योजना देश और दुनिया के सबसे बड़ी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली योजना है। स्काई योजना से प्रदेश में स्मार्टफोन का उपयोग करने वाली आबादी का 29% से बढ़कर 100% हो जाएगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज 66% से बढ़कर 90% हो जाएगा। वास्तव में यह योजना गांव, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और युवाओं का सशक्तिकरण करेगी। उनके हाथ में मोबाइल कनेक्टिविटी की शक्ति अपनी जरूरत पूरी करने का उपकरण देगी। हमें विरासत से सिर्फ 72,000 सिंचाई पंप कनेक्शन मिले थे। हमने किसान को अपनी पहली प्राथमिकता में रखा, जिसके कारण प्रदेश में सिंचाई पंपों कनेक्शन की संख्या लगभग 5 लाख हो गई। हमारा उद्देश्य सिर्फ पंप कनेक्शन देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी रहा है कि किसान भाई इन पंपों का उपयोग करें, इससे सिंचाई के रकबे में वृद्धि हो। हमने देखा कि कृषक जीवन ज्योति योजना से बहुत से किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना में पात्रता के लिए कुछ मापदंड रखे गए थे, जिसके कारण कुछ किसान भाई इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। ताज़ा निर्णय में हमने सारी सीमाओं को समाप्त कर दिया है, जिससे अब प्रदेश के सभी किसानों के सभी पंपों को बिना किसी क्षमता और खपत की सीमा के फ्लैट रेट से भुगतान की सुविधा मिलेगी। किसानों को उनकी पसंद के विकल्प के अनुसार पंप की क्षमता और संख्या के आधार पर बिजली आपूर्ति हेतु फ्लैट रेट की आसान दर उपलब्ध कराई गई है। 5 HP तक के द्वितीय पंप को 200 रुपये प्रति HP प्रति माह, 5 HP से अधिक प्रथम और द्वितीय पंप को 200 रुपये प्रति HP प्रति माह, 5 HP तक के एवं 5 HP से अधिक पंप के लिए 300 रुपया प्रति HP प्रति माह। कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत अब नई पहल सहज बिजली बिल स्कीम के नाम से जानी जाएगी। विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2019 की अवधि निर्धारित की गई है। हमारे प्रदेश के अनेक वरिष्ठ शासकीय कर्मचारियों को एक सीमा में जाकर वेतन वृद्धि में ठहराव की समस्या का सामना करना पड़ता था। इस समस्या का हल निकालते हुए हमने 1 जनवरी 2016 से सीधी भर्ती के पद पर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार ने 1 अप्रैल 2006 से 3 स्तरीय समयमान वेतनमान लागू किया था, जिससे कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ था। अब पुनः एक कदम आगे बढ़ते हुए 4 स्तरीय वेतनमान लागू कर दिया गया है। 7वें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान 6 किस्तों में करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारी बंधुओं की पुरानी मांग पूरा होने पर मुझे संतोष है। कामकाजी गर्भवती बहनों को प्रसूति के समय विशेष देखरेख और खान पान की जरूरत होती है, अतः ऐसे समय में उनकी आर्थिक स्थिति और मनोबल मजबूत रखना जरूरी है। पूर्व में संविदा कार्यरत महिला कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता था। इस स्थिति को देखते हुए हमने शासकीय महिला कर्मचारियों की तरह संविदा महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन के वेतन सहित प्रसूति अवकाश देने का फैसला किया है। सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% के सीमा बंधन को एक बार के लिए 1.5 माह तक के अवधि के लिए शिथिल किया गया है। के शिल्प समाज की सेवा और आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को होती है। यह समाज स्वस्थ रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाता है। हमने महसूस किया इस समाज को आर्थिक सामाजिक बेहतरी के लिए
नए प्रयास की आवश्यकता, इसलिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है, जो केश शिल्प कामगारों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक उत्थान के लिए नीति तैयार कर उसके अनुशंसा शासन को देगी। पुलिस कर्मियों की व्यवहारिक आवश्यकता और सहूलियत को ध्यान रखते हुए कई नए फैसले किए गए हैं, जैसे यूनिफॉर्म से संबंधित कुछ चीज़ें विभाग द्वारा दी जाएगी और शेष चीज़ों के लिए कुछ धनराशि संबंधित पुलिसकर्मी को नगद भुगतान किया जाएगा। व्यापक संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को CUG अंतर्गत शामिल किया जाएगा। प्रत्येक पुलिसकर्मी से तुरंत घटनास्थल पर पहुँचने के अन्य रिस्पॉन्स की अपेक्षा होती है, अतः आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह रिस्पॉन्स भत्ता दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को निश्चित चिकित्सा भत्ता के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया गया है। यह व्यवस्था पुलिस कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। यदि कोई कर्मचारी निश्चित चिकित्सा भत्ता के बदले वास्तविक चिकित्सा व्यय क्लेम करना चाहते हैं तो वह विकल्प दे सकते हैं। प्रतिवर्ष कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। जिला स्तर एवं वाहिनी स्तर पर पुलिस कर्मचारियों के लिए जिम की व्यवस्था की जा रही है और इसे धीरे धीरे डिवीजन और थाना स्तर पर भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत 10,000 मकान बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से 1,000 से ज्यादा मकान पूर्ण होकर आवंटित किए जा चुके हैं, शेष पूर्णता की ओर है। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 2 वर्ष के भीतर 10,000 मकान बनाए जाएंगे। इससे पुलिस कर्मचारियों की आवास की व्यवस्था काफी हद तक हल हो जाएगी। आरक्षक से पुलिस उप अधीक्षक तक के वेतनमान मध्य प्रदेश से लागू वेतनमान के बराबर है, परंतु इनके बीच के पदों पर वेतनमान में जो भिन्नता है उसे समाप्त करते हुए मध्य प्रदेश के बराबर किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आजकल MCH अर्थात मातृ शिशु अस्पताल की चर्चा सुनाई देती है। इनकी स्थापना और उपयोगिता के संबंध में हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। राज्य के विकास प्रत्येक व्यक्ति की समृद्धि और खुशहाली के लिए पहली शर्त है, सब लोग स्वस्थ रहें। इनके लिए अस्पताल के विकास के साथ साथ ही हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये तक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दी गई है। विशेष आवश्यकता के लिए अनेक विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही है। ऐसी एक विशेष आवश्यकता है जच्चा बच्चा की अच्छी सेहत। जब गर्भवती बहनें स्वस्थ होगी, संस्थागत प्रसव होगा तो निश्चित तौर पर नवजात शिशु भी स्वस्थ रहेंगे। इसी उद्देश्य से राज्य में एक नई पहल करते हुए 27 MCH मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य विंग की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में 100 बिस्तर वाले, 50 बिस्तर वाले 11 MCH का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। MCH में गर्भवती महिलाओं, प्रसूता माताओं एवं नवजात शिशुओं तथा बच्चों को OPD, प्रसव पूर्व जांच, प्रसव पश्चात देखभाल, सामान्य एवं जटिल प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन, स्त्री और प्रसूति गहन चिकित्सा इकाई, टीकाकरण, नवजात शिशु की देखभाल, नवजात गहन चिकित्सा इकाई, परिवार नियोजन, काउंसलिंग, सोनोग्राफी, लैब जांच, स्किल लैब जैसे तमाम सुविधाएं और विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध रहेगी। मुझे यह कहते हुए गर्व और संतोष हो रहा है कि प्रदेश में MMR और IMR घटाने में बड़ी सफलता अर्जित की है। MMR मातृ मृत्यु दर वर्ष 2003 में 365 प्रति लाख थी, जो घटकर 173 प्रति लाख जीवित बच्चे हो गए हैं। इसी प्रकार IMR शिशु मृत्यु दर जो 2003 में 70 प्रति हजार थी, घटकर 39 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है। बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण 48% से बढ़कर 76% से अधिक है। संस्थागत प्रसव 18% से बढ़कर 70% हो गया है। मुझे विश्वास है कि MCH की स्थापना से हम और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। मैं माता और बहनों से अपील करता हूं, MCH की सुविधाओं का लाभ उठाएं। MCH में अन्य अस्पतालों की तरह अन्य बीमारियों के मरीज की भीड़ नहीं लगेगी। यहां सिर्फ गर्भवती माताओं, प्रसूताओं, नवजात शिशु और बच्चों का ही उपचार होगा और इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मीजल्स रूबेला अभियान के बारे में समाचार पढ़ने को मिला था कि छत्तीसगढ़ में भी अभियान शुरू होगा, क्या ये कोई नया टीका है? इस संबंध में हमारे श्रोताओं को अवगत कराने का कष्ट करें। भारत में एक साल में करीब 1 लाख बच्चों की मृत्यु खसरा और रूबेला के कारण होती है। इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से रोग फैलता है। खसरा का मुख्य लक्षण होता है तेज बुखार के साथ त्वचा पर लाल चकत्ते, खांसी, बहती नाक और लाल आँखें। रूबेला रोग स्त्री को गर्भाशय अवस्था के दौरान हो सकता है। प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान यदि माता रूबेला से संक्रमित हो जाती है तो बच्चों को
यह रोग जन्मजात हो जाता है, इसलिए भारत सरकार ने सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में मीजल्स तथा रुबेला के टीकों को शामिल किया है। टीके विश्वास संगठन द्वारा प्रमाणित है। छत्तीसगढ़ में करीब 85 लाख बच्चों को मीजल्स की बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। यह टीका छत्तीसगढ़ के शासकीय निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाए जाएंगे। हमने देखा है कि सरकारी निजी संगठनों और व्यक्तिगत प्रयास के कारण भारत को पोलियो मुक्त करने में सफलता मिली थी। अब इसी प्रकार अभियान मिजल्स और रूबेला के खिलाफ चलाना है। मैं चाहता हूं कि चिकित्सकों के संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं मिजल्स रूबेला अभियान 2018 में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं और अभियान को सफल बनाएं। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, निजी चिकित्सक, नर्सिंग होम, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, आदिम जाति कल्याण विभाग आदि का सहयोग भी लिया जाएगा। आप सबके सहयोग से हम गर्भवती महिलाओं को रूबेला से तथा बच्चों को मिजल से सुरक्षित कर सकते हैं। मुझे विश्वास है जिस तरह मिलकर हमने पोलियो को हराया था, उसी तरह मिजल्स और रूबेला को भी हराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, बरसात का मौसम बीमारियों का मौसम कहलाता है। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? बरसात के मौसम में जितना आनंद आता है, उतने ही बीमारियों का प्रकोप भी होता है। मौसमी बीमारी से बचने के लिए सभी को सावधान रहना जरूरी है। ये बीमारियां बहुत छोटे रूप में शुरू होती हैं, लेकिन सही समय पर सही उपचार ना करने पर काफ़ी कष्टप्रद और नुकसानदेह साबित होती है। वातावरण में नमी, उमस के कारण एक ओर मच्छरों और कीटाणुओं का प्रकोप बढ़ता है, दूसरी तरफ अस्वच्छ पानी भी अनेक बीमारियों का कारण बनता है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, हमने काफ़ी पहले समस्त संबंधित विभागों को सचेत कर दिया है। पीलिया, डेंगू, मलेरिया आदि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए सभी जिला चिकित्सालयों में व्यवस्था की गई है। मितानिनों को प्रशिक्षण करते हुए आरडी किट और मलेरिया रोधी दवा, एसीटी और क्लोरोक्विन दवा भी उपलब्ध कराई गई है। डेंगू के निदान के लिए राज्य के सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल के रूप में 7 अस्पतालों की व्यवस्था की गई है, जहां डेंगू मरीज की पहचान एवं निदान के लिए आईजीएम एलिजा टेस्ट किट दिए गए हैं। 19 औद्योगिक चिकित्सालय को भी तैयार रखा गया है। संभावित मरीजों के निकट से सेंटिनल सर्विलेंस चिकित्सालय भेजें। पीलिया के बचाव हेतु आम नागरिकों को सावधानी बरतने की जानकारी दी जा रही है। पीने के पानी को उबालकर ठंडा कर पीना, पीने के पानी को साफ बर्तन में ढककर रखना, शुद्ध एवं ताजे भोजन का सेवन करना, बाजार के कटे फटे फल व सब्जियों का सेवन ना करना, फल व सब्जियों को अच्छी तरह साफ करने के बाद ही सेवन करना, बासी भोजन का सेवन ना करना आदि सतर्कता बेहद जरूरी है। भोजन के पहले और शौच के बाद हाथ स्वच्छ पानी एवं साबुन से धोना, घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना, पीलिया के लक्षण दिखे तो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सीय जांच व उपचार कराना। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 आरोग्य सेवा से बीमारियों के संबंधित विस्तार से जानकारी ली जा सकती है। बारिश में सर्पदंश की घटनाएं बहुत होती है, इसके लिए पीड़ित को तुरंत डॉक्टरी इलाज मुहैया कराना चाहिए। यह बात स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि पीलिया अन्य बीमारियों की तरह सर्पदंश भी झाड़ फूक से ठीक नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, DMF के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को देश में प्रथम स्थान मिला है। ये एक नया विषय है जिसके बारे में हमारे श्रोताओं को भी काफी जिज्ञासा है, कृपया इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की गिनती देश के प्रमुख खनिज धारक राज्य के रूप में होती है। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिजों की गुणवत्ता तथा मात्रा उत्साहवर्धक है। आज़ादी के 6.5 दशक बाद जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की बागडोर संभाली, तो उन्होंने पहली बार खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों एवं जनता के हितों की चिंता की। माननीय मोदी जी की पहल पर खनिज कानून में जिला खनिज संस्थान न्यास के गठन के प्रावधान किए गए। इस योजना के अनुसार न्यूनतम 60% राशि का उपयोग उच्च प्राथमिकता के लिए चिन्हित क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, वृद्ध एवं निःशक्त जन कल्याण, कौशल विकास, रोजगार तथा स्वच्छता आदि। अन्य प्राथमिकता में भौतिक अधोसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा आदि का कार्य भी शामिल किया गया है। शासी परिषदों द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के आधार पर 30,000 से अधिक कार्यों के लिए 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की स्वीकृति जारी की गई है और 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य राशि का उपयोग किया गया है। नीति आयोग की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में किए जा रहे DMF के क्रियान्वयन की प्रशंसा की
और अन्य राज्यों को छत्तीसगढ़ का अनुसरण करने का सुझाव दिया। खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं का प्रभाव केवल ग्राम अथवा जिले की सीमा तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि जिले की सीमा के बाहर के क्षेत्रों भी प्रभावित होते हैं। अतः अंशदान की राशि का उपयोग ऐसे क्षेत्रों में किए जाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों को बेहतर सुविधाएं और व्यवहारिक लाभ देने के लिए आवश्यक बड़े कार्य जिला मुख्यालय स्तर पर भी किए जा रहे हैं। डीएमएफ की राशि के उपयोग और कार्य प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूं। 14 जिले के 100 आदर्श ग्रामों में 110 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। आगामी 2-3 वर्षों में 5 करोड़ प्रति आदर्श ग्राम में व्यय करने का निर्णय लिया गया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त प्रति हितग्राही लगभग 1400 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अतः 19 लाख महिलाओं के लिए 133 करोड़ की राशि इस मद से दी गई है। योजना में भागीदारी और पारदर्शिता के लिए जिला न्यास के शासी परिषद में खनन प्रभावित क्षेत्रों के 2 ग्राम पंचायत के सरपंच, 3 जनप्रतिनिधियों और खनिज पट्टेधारियों के 3 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। संपादित कार्यों का सामाजिक ऑडिट ग्राम सभा में किए जाने का प्रावधान है। वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रस्ताव की प्राप्ति, कार्यों की स्वीकृति, कार्यों की प्रगति एवं भुगतान आदि की व्यवस्था जल्दी ही लागू की जा रही है। सांसदों की अध्यक्षता वाली दिशा समिति द्वारा भी डीएमएफ के कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। भारत सरकार के नियंत्रण एवं महालेखाकार से मान्यता प्राप्त चार्टर अकाउंटेंट द्वारा प्रतिवर्ष न्यास निधि का ऑडिट कर रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली जा रही है। पर 16-17 में 25 से अधिक जिलों के ऑडिट हो चुके हैं। श्रोताओं, आप सब रमन के गोठ सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए। और इसी के साथ आज के अंक का हम यहीं समापन करते हैं। अगले अंक में 9 सितंबर को होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।